जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस थोड़े से माइंड में स्ट्राइक करते हैं या थोड़ा सा देरी में हो पाते हैं। हम देखेंगे कि हम उनको कैसे जल्दी कर सकते हैं या उनका एक्चुअल सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें हमको लगते हैं कई बार कि मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं। कई बार हमको एक क्वांटिटी दिखती है जो दो नाम से दिखाई दे जाती है, उसमें जो समस्याएँ होती हैं हम उसको देखेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास लेंथ एंड टाइम करंट। द्रव्यमान लंबाई समय तथा धारा के संदर्भ में विद्युत सर्किट में प्रतिरोध का डायमेंशन बताना है, बीमा बतानी है। अब देखें कि बीमा बताना तो आसान है, अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो उसकी जो डायमेंशन हमको देनी है एम एल टी की पावर। तो अब देखें आर इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, आर इज रेजिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या लिखते हैं, वी इज इक्वल्स टू आई इन टू आर। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर इज इक्वल्स टू क्या हुआ, वी अपॉन आई। वट इज वी, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पे हमको कंफ्यूजन होता है कि V की डायमेंशन क्या होगी, वॉट इज द डायमेंशन ऑफ V। तो यूजुअली हम कहते हैं सर पोटेंशियल तो एनर्जी होता है एक टाइप का, तो इसका डायमेंशन होना चाहिए एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, विच इज रॉन्ग। अब देखेंगे तो पोटेंशियल के डेफिनेशन पे हमको जाना पड़ेगा। वो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग पर यूनिट चार्ज। अब देखें W ये इधर, Q आ गया नीचे, Q इज चार्ज। अब हमको चार्ज का, चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो हम इसको निकालेंगे I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T से। तो Q इज इक्वल्स टू क्या मिला, I इंटू टी, मीन्स इसका डायमेंशन मिला AT। अब पोटेंशियल का डायमेंशन निकालें तो इसकी डायमेंशन आपको मिल गई एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई एटी। इनको ऊपर ले जाएं तो पोटेंशियल की डायमेंशन आपको मिली पोटेंशियल डिफरेंस एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री ए इनवर्स। पुट इट इन दिस, वी इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री और ए इनवर्स डिवाइडेड बाई ए। तो हमको जो करेक्ट ऑप्शन मिला वो क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस टू। इन द क्वेश्चन ऑप्शन डी इज करेक्ट, जबकि बाकी भी ऑप्शन क्वाइट सिमिलर हैं। अगर हम एनर्जी लिख दें तो हमको ऑप्शन ए मिल जाएगा। तो इस वजह से पोटेंशियल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग पर यूनिट चार्ज। फिर क्वेश्चन देखें, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। नीचे दिए गए जो पेयर्स हैं उसमें से कौन सा पेयर का डायमेंशनल फार्मूला बीमीय सूत्र समान नहीं है। वर्क एंड टॉर्क डोलो जूल न्यूटन इंटू मीटर है तो डायमेंशन समान होते हैं। तो इसमें हमको जो सही ऑप्शन है वो है टी, टी जो ऑप्शन सही है तो सी, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, टेंशन एंड सरफेस टेंशन। तो टेंशन क्या होता है, टेंशन इज फोर्स, वेल सरफेस टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस एरिया, सरफेस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है सरफेस टेंशन। तो दोनों का डायमेंशन अलग अलग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखें फोर्थ, अ कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई, अ कार मूव्स एक्स टू वाई विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी वन वी टू। तो इसके लिए हम देखेंगे एक स्पेशल केस, स्पेशल केस की जब भी हम एवरेज स्पीड या वेलोसिटी
की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे हमको डिस्टेंस नहीं पता है, टाइम नहीं पता है। तो हम लोग देखें कि इफ जो त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के क्लासरूम स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने देखा होगा कि हम केसेस पढ़ते हैं कैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो उसमें फर्स्ट केस था इफ एस वन इज इक्वल्स टू एस टू, देन एवरेज कैसे निकाले, वी ए वी इज इक्वल्स टू टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, ये फॉर्मूला होगा और यही ऑप्शन ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फाइव देखें, थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन 0.0 मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन, कह रहा है एक्स वाई प्लेन पे सीधा चलता है, इट कोऑर्डिनेट एट अ लेटर टाइम इज अंडर रूट 3.3, द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विथ एक्स एक्सिस एन एंगल ऑफ, कितने का एंगल बनाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, ओरिजिन से सीधी लाइन पे चला और इसके लिए क्या बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ कितना हुआ अंडर रूट 3.3, वाइल द एंगल्स आर कहाँ से स्टार्ट हुआ 0.0, हमको ये एंगल चाहिए तो ये कितना हो गया 3, ये हो गया अंडर रूट 3। इफ हम क्या करें यहाँ पे टैन थीटा निकाल दें तो मिल जाएगा टैन थीटा से, ठीक। तो टैन थीटा बराबर कितना मिल गया, टैन थीटा इज इक्वल्स टू, तो हमको यहाँ से थीटा कितना मिल गया 60, अंडर रूट 3 मिलेगा। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू होता है टैन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि इक्वेशन दिया गया है x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 12 टी माइनस टी क्यू, वेयर x इज इन मीटर टी इन सेकेंड, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, कह रहा है इसका वेलोसिटी जीरो हो रही है तो इसका रिटार्डेशन बताएं। तो हमको पता है कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में डी डी टी ऑफ एक्स, तो कांस्टेंट जीरो, 12 टी की जगह पे क्या मिलेगा 12 माइनस 3 टी स्क्वायर, ये मिला। अब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, ये आपको क्या मिल गया वेलोसिटी, अब आप इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी डी टी ऑफ एक्स एक बार और कर देंगे तो क्या मिलेगा, सब जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस 60। तो हमको कितना चाहिए एक्सेलरेशन पर सेकंड में चाहिए, तो एक्सेलरेशन पर सेकंड का कितना हो गया 6 मीटर, रिटार्डेशन हमको मिल गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेगेटिव साइन शो करता है कि ये रिटार्डेशन है, मंदन है ये। आगे देखिए, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट टू कवर द हाइट ऑफ एच वन एंड एच टू रिस्पेक्टिवली टी वन एंड टी टू, देन द रेशियो ऑफ टी वन टी टू, किसी वस्तु को स्थिर अवस्था से ऊंचाइयों एच वन तथा एच टू से गिराया गया और वो टी वन तथा टी टू में नीचे गिरते हैं, तो कह रहा है टी वन टी टू का रेशियो बताइए, या एक बार ये प्रश्न जब पूछा गया था तो दिया गया था टी वन टी टू का रेशियो या टी वन टी टू और एच वन एच टू में रिलेशन बताए। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ऑफ मोशन से कि जब वो एच वन और एच टू हाइट ट्रेवल करके नीचे आ रहे हैं तो सबसे पहली बात कह रहा है कि उसको फ्री फॉल कर रहे हैं जीरो। तो हम लोग देखें एच वन इज इक्वल्स टू यू टी जीरो प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन बनाया जाए एच टू इज इक्वल्स टू हाफ एक्सिलेशन इसके लिए भी जी एंड टी टी स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, रेशियो चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा यहां से एच वन बाई एच टू क्या मिल जाएगा हाफ जी टी वन स्क्वायर अपॉन हाफ जी टी टू का स्क्वायर, इससे ये कट गया। तो अब क्या करें, केवल टी बचा हुआ है तो इसका क्या कर दिया जाए रूट कर दिया जाए तो टी वन टी टू मिल जाएगा, तो क्या मिला आपको बच्चा टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच वन
H1 upon H2. So T1 upon T2 is equals to under root H1 upon H2, means option B is correct. Question 8, theoretical question hai. A car is moving with velocity when has a turn on a turning. Kisi mode pe ghumao pe usko ghumna hai. A force act on the outwards because ek car jo khub tezi se aa rahi thi aur usko ek turn pe ghumna tha. To jab kabhi bhi zyada turn mein ghumte hain to car usually palat jati hai ya keh le ki hum log bahar gir jate hain. तो क्यों बाहर गिर जाते हैं? मतलब एक फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा होगा, तो हमको बताना है कि वो फोर्स क्या है, क्यों हम वहाँ पे गए, तो वो फोर्स का कारण क्या है. पहला दिया हुआ सेंट्रिपिटल, अभिकेंद्रीय बल. अभिकेंद्रीय बल कौन सा होता है, आप सब जानते होंगे कि वो किसी भी सर्कुलर मोशन के केंद्र की तरफ हमको आकर्षित करता है. सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय बल, ये केंद्र से बाहर की ओर ले जाता है. तो टर्न करेंगे तो हम एक कर्व बनाने का प्रयास करेंगे और कर्व से बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. अ मैन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. द गन इज ऑफ 1 kg मास. बाय व्हाट वेलोसिटी द गन रीबाउंड्स बैकवर्ड. इसको हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा रिकॉइल वेलोसिटी के नाम से. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ की उसका कितना मोमेंटम चेंज होगा जितना उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया. तो जब गोली नहीं चल रही थी तो कैसा था, तो दोनों ही रेस्ट पे थे. तो अब गोली चल रही, जितना गोली आगे जाएगी वही मोमेंटम बंदूक को पीछे की तरफ मिलेगी. तो देखें हमको मिला मास 20 ग्राम. मास ऑफ बुलेट इज, तो मास ऑफ बुलेट कितना मिला 200 ग्राम, सो इट इज 0.2 kg. वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड मास ऑफ गन इज 1 kg. तो हमको पता करना है वेलोसिटी ऑफ गन. द मोमेंटम शुड बी इक्वल एंड अपोजिट. जितने भी मोमेंटम है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट. सो एम फॉर बुलेट, वेलोसिटी फॉर बुलेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ गन एंड वेलोसिटी ऑफ गन विथ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कैसी होंगी, अपोजिट होंगी, अपोजिट वेलोसिटीज पे दोनों जा रही हैं. अब ये वैल्यू है आपके पास, मास ऑफ बुलेट 0.2, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 5, मास ऑफ गन -1 एंड वेलोसिटी ऑफ गन कितना मिल गया, ये 1 meter per second. इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट. बंदूक जिस दिशा में जाएगी वो किधर होगा, गोली जिधर जा रही है उसके ठीक अपोजिट. माइनस साइन यही शो कर रहा है और उसकी जो स्पीड होगी वो होगी -1 meter per second square. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मासेस ऑफ 5 kg एंड 10 kg आर कनेक्टेड टू अ पुली एज शोन. जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि हमको दिया गया है एक पुली और उस पुली के बारे में हम लोग देखें तो पुली दिया गया है और उस पर एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है. अगर आपने थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखें तो क्वेश्चन खुद अपना आंसर बता रहा है. हमने माना कि ये पुली है यहाँ पे और यहाँ पे एक स्ट्रिंग लटक रही है ऐसा, और यहाँ पे भी एक, मतलब एक रस्सी से, ये एक ही रस्सी से दोनों बंधे हुए हैं एज सोन इन डायग्राम. एक ब्लॉक इधर है, दूसरा ब्लॉक इधर है. दिस ब्लॉक इज ऑफ 5 kg, दिस ब्लॉक इज ऑफ 10 kg. 5 kg और 10 kg का हमने यहाँ पे मास लटका दिया. अब हम ये जानना चाहते हैं कि 5 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम के दो द्रव्यमान लिए गए हैं जिन्हें पुली से चित्रानुसार जोड़ा गया है. पूरे निकाय का त्वरण बताएं, तो पूरा निकाय का त्वरण हम बताएं. तो हमको क्या कह रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी हैव सम एजम्पशन ऑन दिस. हम क्या मानते हैं कि मास जो है वो केवल इन्हीं दोनों के पास है. द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, पुली इज मासलेस. उसका कोई अपना वेट, कोई मास नहीं, वो कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं करेगा. तो अब देखें यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इसको किधर खींच रहा होगा, डाउनवर्ड्स.
ये भी इसको किधर खींच रहा होगा, डाउनवर्ड्स। तो अब हम देखें जो एग्जैक्ट फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा। तो एग्जैक्ट हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं, पहला इसके लिए तो 10G होगा जो उसको नीचे ले आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब 5G क्या कर रहा होगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा होगा, तो 5G इसको अपोज कर रहा है, इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया, ये हमको क्या मिला, नेट फोर्स कितना लगेगा। नेट फोर्स क्या करेगा, जितना हमारा पूरा सिस्टम है उसको क्या करने वाला है, वो एक्सिलरेट। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम 10+5 और एक्सिलरेशन है। अब हम यहां पे देखेंगे एक्सिलरेशन मिल गया आपको, कितना मिला 5g/15 इज इक्वल्स टू, सो एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू g/3। दिस इज द आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है वो सही है। अब देखें अगला क्वेश्चन वेक्टर से है। अ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ, फोर्स दिया गया है हमको, फोर्स दिया गया है एफ इज इक्वल्स टू 3i + j cap न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg। मास ऑफ द पार्टिकल दिया हुआ है कि 2 kg। हेंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम पोजिशन, पोजिशन दिया हुआ है तो जो पोजिशन 1 है r1 इज गिवन बाय 4i cap + 3j cap - k cap meter। यहां से दूसरा पोजीशन दिया हुआ है जो प्रायर पोजीशन था आर नॉट कह लीजिए, वो दिया हुआ है 2i cap + k cap, 4i cap + 3j cap - k cap, और जो प्रायर पोजीशन थी वो यहां से आया। अब हम क्या करें कि पोजीशंस कैसे निकालते हैं, तो पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल पोजीशन है उसमें से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे, कर दीजिए माइनस कर दीजिए, ये दोनों इस सिंबल माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया 2i cap जो आपके लिए पोजीशन मिला, डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, डिस्प्लेसमेंट को क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट मिला हमको कितना 2i cap + 3j cap - -2k cap, ये मिला हमको। अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पे हमको चाहिए वर्क डन, तो हमको पता है w = f.s। अब हमारे पास एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर फोर्स, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3i cap + j cap - 2i cap + 3j cap - 2k cap। अब देखें यहाँ पे कि हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में हम किसका किसका प्रोडक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर जीरो हो जाएगा, तो हमको i का i से, j का j से और k का k से मल्टीप्लाई करना है, तो 2i 3i कितना हो गया 6, j का j से करेंगे तो कितना मिला +3, k है ही नहीं तो k का जिस मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 0, तो हमको वर्क कितना मिल गया टोटल 9 joule। सो इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस इज ऑल फॉर द डे, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।